الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما रहमतुल्लाहि व वर्क आज हम बकरा की अगली दो आयतें पढ़ेंगे आयत नंबर टू फोर्टी फ़ोर और आयत नंबर टू फ़ाइव आयत नंबर टू फोर्टी फ़ौर रहीम व कातिलू और तुम जंग करो फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में वालमू और जान लो बिला शुबा अल्लाह समयलीम सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है इस आयत का बा मुहावरा तर्जमा है मुसलमानों तुम अल्लाह राह में जिहाद करो और यकीन रखो कि अल्लाह बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है अगली आयत है आयत नंबर टू फोर्टी फ़ाइव बस्मिल्ल रन कौन है वो जो युकदु कर्ज दे कोदन हसनान, कर्ज़ हसना, हसना। फाफ़हू सो वह बढ़ा चढ़ा कर दे उसको लहू उसके लिए कसीरा, कई गुना अल्लाह और अल्लाह यकबी तंगी करता है व यबसुतु और वह कुशादगी पैदा करता है व इई ही और उसी की तरफ तुर तरजाउन तुम लुटाए जाओगे इस आयत का बा मुहावरा तर्जमा है वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसको बढ़ा कर उसके लिए कई गुना कर दे और अल्लाह ही तंगी और कुशादगी फरमाता है और उसी की तरफ तुम सब लुटाए जाओगे अब इन का, के आयत का यानी कि आयत नंबर दो सौ चवालीस और दो सौ पैंतालीस इन आयत का पिछली आयत के साथ क्या है? कि पिछली आयत में पिछली आयत में बताया गया तो आकर रहती है अब फरमाया जा रहा है कि लहजा जिहादी सबी से ग्रेस करना सख्त गलती है ये जान तो जानी है तो बेहतर है कि लाकिरा में जाए गोया पिछली आयत में जिहाद की तमहिद थी और इस आयत में उसकी तस्री है क्योंकि जिहाद में जान भी खर्च की जाती है और मार भी और जान खर्च करना बहुत दुश्वार है लिहाजा इस आयत में दोनों चीज़ों का जिक्र किया गया मुश्किल का पहले और आसानी यानी सखावत माल का बाद में पिछली आयत में शायद हुआ था कि अल्लाह पर बड़ा फजल फरमाने वाला है उसकी फजल की दो किस्में हैं बाहिर में भी महर है और हकीकत में भी महर और बाज वो जो जाहिर कहर है और दर हकीकत महत इस आयत से दूसरे किस्म के फजल यानी जिहाद का जिक्र है जो बज़ाहिर कहर है हकीकत में महर और तबीब का मीठी दवा देना भी फजल है और कड़वी दवाएं देना भी ये उसकी मेहरबानी है इन आयत का शायन नजूल यह है कि हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे दो बाग हैं अगर मैं उनमें से एक सदका कर दूं तो क्या मुझे इस जैसा बाग जन्नत में मिलेगा तो प्यारे का करीम सरमाया भी इसी बाग में होंगी तो प्यारे आका करीम वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अर्ज किया कि क्या मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे तो प्यारे का करीम वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बस तो खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दी कि एमे दहदा यहाँ से निकलो मैंने ये रब के हाथ बेच दिया है अब ये बाग हमारा नहीं है उस पाक और फर्माबरदार बीवी ने कहा यह मुबारक हो बेहतरीन ग्राहक के हाथ बड़े ही नफे का सौदा किया तो इस पर यह आयत जो है वो नाजिल हुई मंसूर ने फरमाया कि इस बाग में 600 थे और दूसरी रवायत में मंजर और अभी हातम और अभी महकी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तुम से रवायत की कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें खबर दी गई थी कि मुसलमानों को सदक़ात का बदला यानी आयत अःरात नंबर दो सौ इकसठ

तो दूर मंसूर में है कि ये दोनों शान नजूर जमा हो सकते हैं इनमें तारुज नहीं है खुलासा तो तफसीर यह है फरमाया तो जा रहा है कि मुसलमानों जब गुज्ता वाक्य तुम्हें पता चल गया कि फरार से जिंदगी बढ़ती नहीं है यानी भागने से जिंदगी ज्यादा नहीं होती और करार से आदमी मरता नहीं और कोई तदबीर मौत को नहीं टाल सकती तो तुम्हें चाहिए कि जिहाद से ना घबराओ अल्लाह के में खलूस के साथ कुफार से लड़ो मुंह से सब कहते हैं कि अल्लाह समयन अलीम है तो तुम अमली तौर पर दिखा दो कि वाकई तुम उसको समीन अलीम जानते हो यानी वो सुनने वाला भी है और भी है 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 और बाखबर तो कहा जा रहा कि जब तुम मुंह से कहते हो तो दिखा भी दो कि मुंह से अच्छी बात निकालो लोगों को जिहाद पर दिलेर करो वहादराना अशार पढ़ो और दिल में अखलास पैदा करो क्या कोई ऐसा भी है जो अल्लाह ताला को बस के दिल माले हलाल से कर्ज दे यानी उसकी राह में खर्च करे जिसका इस कर्ज की तरह यकीन मिलने वाला है ताकि अल्लाह उसके लिए उसी का कर्ज सदहा गुना बढ़ाकर उसको दे जो उसके हिसाब से भी बाहर हो क्योंकि देने से उसके खजाने तो नहीं घटते और अल्लाह ताला की तंगी फरमाता है और वही वो वो देने वाला है जब यह है तो सदका और फिर से तुम पर तंगी नहीं आएगी तो बुखल से तुम्हारा माल नहीं बढ़ेगा तो तुम भी एक दिन उसी तरफ लौटाए जाओगे लिहाजा जाने से पहले अपने असली वतन को अपने इस्बाब भेज दो यानी मरने से पहले वहां जाने से पहले अपने अमाल वहां भेज दो अपने नेकियां वहां भेज दो अपने अच्छे अमल वहां भेज दो यानी कि कर्ज हसना अल्लाह ताला को कर्ज हसना भेज दो ताकि जब तुम वहां जाओ कल को तो फिर वहां तुम्हें तो वहां पर अल्लाह ताला वो जो तुम्हारा कर्ज हसना था उसके बदले में अल्लाह ताला उसके इवज में तुम्हें सदहा गुना बढ़ा कर सदहा गुना बढ़ा कर तुम्हें अपने खजाना फरमाएगा सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है तो आप लोगों को पता ही है सदक़े से दुनिया में भी माल में बरकत होती है और आखिरत में भी अजर स्वाब मिलता है तो दुनिया के अगर लाखों अमीर लोगों का सर्वे करें तो आपको मालूम होगा कि उनकी अक्सरियत सदका खरा जो है वो मकसरत करती है और लाखों गरीबों को देख दें कि उनकी अक्सरियत सदका खराब से दूर भागती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका खराब करें सदका खरात करने से माल कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है ये हम लोगों की एक अजीब सी बात है वो सोचते हैं कि हमारा जो सदका खरात करेंगे तो हमारे माल में से ये कम हो जाएगा ज्यादा लोग जकवात के बारे में ये करते हैं कि जकवात देंगे जाहिर से बात है किसी के पास करोड़ों रुपया है तो उसकी लाखों की जकवात बनेगी तो उसके दिल को कुछ होगा कि मैं इतनी ज्यादा जक़त दूँ मेरे लाखों रुपये चले जाएंगे हालांकि ऐसा नहीं है जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारा सदका खरात देने से तुम्हारा माल बढ़ेगा तो फिर वो कम कैसे हो सकता है ये हम लोगों की अपनी सोच है और राह खुदा में खर्च करने की जो फजीलत है बहुत ज्यादा है जो अल्लाह त देनी है तो बस ये चूंकि वसवसा पैदा होता है कि माल खर्च करने से काम होता है तो इस शुबे का अजाला फरमाया अल्लाह ताला ने जिसके लिए चाहे रोजी तंग कर दू और जिसके लिए मैं वसी कर दू और तंगी और फराहि तो उसके कब्जे में है और वह अपनी राह में खर्च करने वाले से वसत का वादा करता है तो राह खुदा में खर्च करने से मत डरो जिसकी राह में खर्च कर रहे हो ये देखो वो है कौन वो रब रहीम है वो करीम है तमाम खजानों का मालिक है उसके खजाने भरे हुए हैं वो तो तुम्हारे इतने से सद के खिलाफ से उसको क्या फर्क पड़ता है लेकिन वो तुम्हारा इखलास देखता है वो तुम्हारी नीयतों को देखता है कि वो तुम खर्च कर रहे हो किस इखलास से कर रहे हो किस नीयत से कर रहे हो ताकि वो तुम्हें और ज्यादा दे उसके खजाने बड़े हुए हैं बहुत भरे हुए हैं हमारे तो हम तो कुछ भी नहीं है बेहद और बेहिस नहमतें और नू बरसाने वाला है की दिन रात के अता फरमाने उसमें कुछ कम ना किया और देखो तो आसमानों और जमीन की पैदाइश से अब तक अल्लाह तला ने कितना खर्च कर दिया लेकिन उसके बावजूद उसके दस्ते कुदरत में जो खजाने हैं उसमें कोई कमी नहीं आई इसी तरह एक और रवायत है हजरत अबू हुरारा रद्दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के दरवाजों में से एक दरवाजा एक दरवाजे पर एक फरिश्ता ये कहता रहता है कि वो कौन है जो आज अल्लाह को कर्ज हसन दे और कल उसकी जजा ले ले और एक और दरवाजे पर फरिश्ता यह कहता है ऐ लोगों अपने रब की तरफ बढ़ो वो क्लीन माल जो काफी हो वो उस ज्यादा माल से बेहतर है जो गाफिल करने वाला हो और एक और दरवाजे पर फिश्ता ये कहता है शाबुल ईमान में रवायत किया कि नबी करीम सरमाया कि अल्लाह तरमाता है ए इबन आदम अपने खजाने को मेरे पास अमानत रखो ना जले रखो ना जलेगा ना डूबेगा ना चोरी होगा और तुम्हारी जरूरत के वक्त मैं तुमको दे दूंगा सुबह कितनी खूबसूरत अदीस है कितनी खूबसूरत आयत है कितने खूबसूरत पैगाम है कितना खूबसूरत ने हमें ये पैगाम दिया है इस आयत में कि तुम मुझे कर्जे हंसना दो मैं तुम्हें कई गुना बढ़ा कर दूंगा हमारे लिए कितना ज्यादा सबक है इस आयत में नबी करीम सलमी इलाहीबा अपनी राय से नहीं बदलते यानी के यानी कि जो नबी होते हैं या नबी करीम सल्लम और अल्लाह तला के जो अहकाम है वो अपनी राय से नहीं बदलते हाँ दुआ करके रब से बदलवाते हैं दुआ करते हैं जैसे कि दूसरी आयत से मालूम हुआ पहले एक ने का बदला दस गुना हुआ था फिर सात सौ फिर नबी करीम सल की दुआ पर बहुत ज्यादा फिर आप ही के अर्ज करने पर बगैर हिसाब के यानी बेहिस और जो गनी शाकिर है उससे फ़कीर साबित अफजल है अल्लाह ताला ने फुकरा के लिए अगनिया से कर्ज़ तलब फरमाया एक बार अग्निया ने फुकरा से कहा कि हम खुदा के बड़े प्यारे हैं कि उसने हमसे कर्ज़ तलब फ़रमाया फुकरा ने कहा नहीं बल्कि हम उसके महबूब कर्ज़ गैरों से भी ले लिया जाता है मगर अपनों के लिए ना ना कि गैरों के लिए यानी कि फुकरा ने कहा कि हम अल्लाह के प्यारे हैं और अग्निया ने कहा कि हम अल्लाह के प्यारे हैं अच्छा यहाँ ये यह बात भी याद रखिए कि कर्ज़ हसन का बदला मिलेगा ना के खबीस कर्ज का कर्ज हसन क्या है कर्ज हसन में चंद शर्तें हैं कि देने वाले में हो दिली से अदा करे माल हलाल खर्च करे उसके बदले में जल्दी ना करे और ये समझ लें कि कर्ज हसन से मुराद है कि जिसका मकरूज पर तकाज़ा ना हो यानी अब किसी को दिया है और अब उसको तंग ना करे उससे बार बार मांगे ना तक ना करे और अगर वैसे ही किसी को आसानी के लिए किसी की मदद की है उसको कर्ज दिया है और उसमें भी उसको तंग ना करे या फिर सदका दिया है खराद दी है तो उसके बदले में भी ये ना हो कि मैंने तुम्हें सदका दिया अब तुम मेरे काम आओ अब तुमने मेरे लिए ये नहीं किया मैं तुम्हें हर, सा हर साल जक़ात देती हूँ कर्ज करें हम लोग कहें मैं तुम्हें हर साल जक़ात देती हूँ मैं तुम्हें हर महीने सदका देती हूँ खरात देती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो चलो मेरे ये काम करो वो करो इस तरह करो ये सब कुछ नहीं आपने वो अल्लाह के लिए देना है उसके बदले में उससे काम नहीं लेने ना उसको ताने देने हैं आजकल ये हमारा बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट है कि हम फलां बनने को इस तरह कहते हैं तो वो मुझे सलाम भी करे यानी हम लोगों की आदत होती है कि हम अगर किसी को जकवात ख़ैरात वगैरह देते हैं तो हमारा दिल होता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे क्योंकि मैं इसको पैसे दे रही हूँ चाहे मैं ज़क़ुत के दे रही हूँ लेकिन ये मुझे रिस्पेक्ट दे ये उठ के मुझे मिले ये मेरे काम आए ये दूसरों को बताए कि मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया है ये आजकल ये ट्रेंड हम लोगों में बहुत ज़्यादा इन हो गया और बाद तो ऐसी जगहों पे ही जकवात ख़ैर वगैरह देते हैं जहाँ पे उनके नाम की तख्तियाँ लगती हैं बड़े बड़े इस तरह के लोग मैंने देखे हैं जो कि वहीं पे देते हैं जहाँ पे उनका नाम लिया जाता है जी इस फलाँ बंदे ने ये पैसा दिया है इसने ये दिया है और जो कि गरीब लोग हैं जो बहुत गरीब और मुस्तिक है वो कहाँ जाए वो बेचारे कहाँ तख्तियां लगाए अल्लाह तला हदायत फरमाए ईमान और हदायत पर इस्तकामत अता फरमाए और खालिस खालिस नीयत खालिस दिल के साथ ये सारे सदका खैर और कर्ज हंसना देने की तोफ़ी अता फरमाए आमी आमीन सूफिया आमीन। कराम फरमाते हैं कि ए रहा तलब के मुजाह अल्लाह का रास्ता तय करते हुए नफ्स और शैतान से जंग करो जो राहजनी के लिए रास्ते पर है और जान रखो कि इस जिहाद के वक्त जो कुछ तुम्हारे दिल में खतरात आएंगे या जो कुछ तुम कहोगे हमें सबकी खबर है लिहाजा अपने जाहिर और बातिन को दुरुस्त रखो और मुसाफिर खतरनाक रास्ते किसी ताकतवर के साय में तय करते हैं और खुद भी हथियार वगैरह अपने पास रखते हैं ताकि चोर डाकू जो है उन डती ना कर ले तो सूफिया फरमा रहे हैं कि तुम भी खुदा तय कर रहे हो नफ्स का खतरा लगा हुआ है नबी और के साया रास्ता तय करो और ईमान और नमाज के हथियार रोजे की ढाल जुकात और सदक़ात के तीर से लेस रहो इन हथियारों के जरिए उन चोरों डाकों से जंग करते हुए ये रास्ता तय करो फरमाते हैं कि माल तो बहुत लोग खर्च करते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो रब को कर्ज हसन यानी जान की कुर्बानी दे तो रब उसे अनुत तो फरमाते हैं रब तला की अरवाह यानी जो मोहिद होते हैं तो हीद वाले उनकी अरवाह कब्ज फरमाता है और इसरा वसी करता है यानीफीन जो आरिफ होते हैं जो उसको जानने वाले हैं नीज व मुरीदीन के लिए कब्ज और मुरादीन के लिए बस्त या मुश्ताकीन के लिए कब्ज़ और आरफीन के लिए बस्त फरमाता है सुबह अल्लाह या कभी बंदे पर खौफ तारी करके कब्ज़ और उम्मीद दिलाकर बस्त फरमाता है तमाम गुजारी फरमाते हैं इसकी तफसर में कि रब काब भी है और बासित भी कि मौत के वकत तो कब्ज़ रू और जिंदगी देकर बस्त फरमाता है यानी रू बस्त फरमाता है नीज अग्निया से लेकर फुकरा को देता है यानी मालदारों से लेकर गरीबों को देता है गनी उनसे लेकर फकीर को देता है नीज कभी दिलों को कब्ज़ फरमाता है ताकि उसकी हेबत का तस्वर रहे और कभी बस फरमाता है कि उसके कदम पर सबकी नजर रहे कभी अपने अजाब से डरा कर दिलों को तंग करता है और कभी अपनी नेमतें बताकर बस फरमाता है तो ख्याल रहे कि कब्ज़ और बस्त यानी तंगी और कुशादगी यानी कब्ज और बस्त का क्या मतलब है तंगी और कुशादगी हर तबके में होती है दुनियादार दीनदार उलमा दर्द उमा आबदीन का आमलिन बल्कि सहाबा कराम और औलिया कराम सूफिया इज़ाम बल्कि अम्बिया कराम रह, पर भी ये हालात तारी होते ये एक बार सहाबाक रद्वा मजमा ने अर्ज़ किया कि घर में पहुँच कर हमारे दिलों का वो हाल नहीं रहता जो कि आप सल्लाम की मजलिस में हमारे दिलों का हाल होता है घर जाकर हम अपने बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं तो प्यारे अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम्हारा हाल हमारी मजलिस में होता है अगर वही रहता तो तुमसे मुला, मुसाफा करतेम तो है। फरमाते हैं कि कभी अजवाज मुतहद के साथ नबी करीमल मशगूल रहते और कभी जबरी और हजरत मकईलम उनके कलाम करने उनसे काम करने की जरूरत ना करती और वो कब्ज़ था और ये बस्त हजर यकूब ने चाहे कनान से अपने फर्जंद की तरफ तोजो ना फरमाई ये हुआ कब्ज़ और एक दिन मिसर से हजर यूसुफ के कपड़े की उनकी कमीज की खुशबू महसूस कर ली तो ये है बस्त ये कब्ज़ और बस्त की कैफियत उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यानी कि ये भी समझने आसान अल्फाज में कि कभी कोई बयान करने वाला ऐसा बयान करता है कि सारी की सारी मजलिस जो उसको सुन रही होती है वो तड़प जाती है वो रोना शुरू हो जाते हैं इतना असर होता है उनके दिलों पर इसको कहते हैं बस्त और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ही वाइज होता है वही बयान करने वाला होता है और वो पढ़ भी रहा होता है लेकिन किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये है कब्ज तो सूफिया क्राम फरमाते हैं कि पाक है हमारा वो रब जिसे कब्ज और बस्त नहीं है और रब का कर्म तो देखो कि वो हर चीज का मालिक है हर चीज का मालिक है फिर खुद ही मुसलमानों की जान और माल का खरीदार है फिर खरीद कर और आर्या सब कुछ देकर खुद ही उनसे कर्ज तरफ फरमाता है फिर उस पर बहुत बहुत ज्यादा अजर देने का वादा फरमाता है देने वाला कितना करीम है लेने वाले में हिम्मत होनी चाहिए कि कोई उससे जन्नत मांगता है कोई हुरोकसूर मांगता है मगर जो आशिक जामबाज है खुद उसकी ज़ात का तालिब होता है वो उससे उसी को मांगता है अब देखे ना हम लोग अल्लाह ताला से कभी घर मांगते हैं कभी गाड़ी मांगते हैं कभी औलाद मांगते हैं कोई बेटा मांगता है कोई बेटी मांगता है कोई कुछ मांगता है कोई कुछ मांगता है और फिर हम जन्नत भी मांगते हैं ज़ाहिर है हम कहते हैं या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और कुछ कहते हैं हमें हूरें भी मिल जाए हमें ये मिल जाए हमें आखिरत में ये मिल जाए हमें दुनिया में ये मिल जाए लेकिन जो असल आशिक होता है उसको दुनिया में भी और आखिरत में हर जगह एक ही जात चाहिए और वो तालिब होता है रब ताला की ज़ात का और सूफिया कराम फरमाते हैं कि सिर्फ मांगने वाला गदा वो ही करीम का आशिक नहीं है बल्कि करीम भी गदा का चाहने वाला है और रब पहला भी तो हमारा चाहने वाला है बल्कि वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है हम क्या उससे मोहब्बत करते हैं वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है बस ये है कि हमें उसकी तरफ जाने की दे है क्योंकि फुकरा से करीम के बाजार की रौनक है अब देखें फरमाते हैं कि बाज यानी जो बाज मोहब्बत करने वाले हैं आशिक हैं वो कहते हैं कि गुनेगारों से शफात के बाजार की रौनक है और सयाकारों से बख्शिश की दुकान की जीनत है और मासूम फरिश्ते करोड़ों साल से मशगूल इबादत थे फिर महबूब के बाजार हसन में रौनक गुनेगार इंसान की पैदाइश से ही आई नहीं जानती इस गुनादार की पदाइश पर मेरे मेरी जो सिफात है उसका जहूर मकूफ है और उस ही के दम, कदम से बाजार आलम की रौनक वाबस्ता है इसी तरह हदीस मुबारक का भी मफहम है कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो अल्लाह तक ऐसी मखलूक पैदा फरमा देगा जो गुनाह करे तो उसका मकसद भी यही है नेक अमाल की तफीक बस्त है और हमारा गुनाहों की तरफ से मिलान ये कब्ज है